वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चाइना के बारे में। चाइना ने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइज़ कर दिया है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चाइना जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री जो भी टोटल वहाँ पे चल रहा है काफ़ी एक तो टाइम से जो रेगुलेट नहीं कर रहे थे उनको अभी रेगुलेट करने का फ़ैसला लिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। जो फाइनल डिसीजन है वो चाइना का आ चुका है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे लीगल घोषित हो चुका है। ठीक है, जैसा कि काफ़ी टाइम पहले चाइना जो जितना पूरा इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी का जो कम्युनिटी था ट्रेडिंग और माइनिंग मार्केट का 75% चाइना से चल रहा था मैक्सिमम। ठीक है, जो भी माइनिंग फर्म्स है एशिया का जो पावर हाउस बोला जाता है चाइना को, वहाँ पे 2017 से काफ़ी बड़े उसमें माइनिंग और ट्रेडिंग का काम चल रहा था। और जो कि आप देख रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की, जो चाइनीज सेंट्रल टेलीविज़न उसने ब्रॉडकास्ट किया है इस साल कि जो ब्लॉकचेन और उसकी जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी हेल्पफुल है और उस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करेंगे एज ए लीगल वे में। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर उन्होंने काफ़ी किया है और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के पास वो इस नतीजे पर पहुँचे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको लीगलाइज करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि पहले उनको कुछ रिसर्च करने में दिक्कत थी और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। तो अभी जो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो करेंसी को रिसेंट मंथ में मार्केट को एनालिसिस करते हुए ब्लॉकचेन जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का फैसला किया है और काफ़ी बड़े टाइम से इस टेक्निकल सेक्टर में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है और बिटकॉइन की तरफ से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो उन्होंने कर लिया है अभी। तो आने वाले टाइम में चाइनीज़ के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके ऊपर नया रूल एंड रेगुलेशन ला सकते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी क्रिप्टो करेंसी में स्टार्टअप कर सकती है आने वाले टाइम में। इससे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट जो था वो एंटी क्रिप्टो था और अभी उन्होंने पूरा रिसर्च किया है उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया जाए। ठीक है, और जो भी इसको कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट काफ़ी पब्लिक सेक्टर में भी स्कोर लेकर के आ रही है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंज भी चल रही है जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज। और जो मेन टारगेट था, जो मेन इंटेंशन था कि कहीं हैक ना हो जाए, साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने उसके ऊपर एक पॉलिसी ड्राफ्ट किया है और जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं उनको बताया जाएगा आने वाले टाइम में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। और अभी जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में है आपको देखने को मिलेगा कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन है उसका यूज़ है प्रचलन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, और जो भी इंटरनेशनल करेंसी की जो डील होगी मैक्सिमम चाहे कंपनीज़ हो वहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी को अपनाएगी मोड ऑफ पेमेंट गेटवे के रूप में। ठीक है, तो अभी उनका भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, जैसे वो रिसर्च कंप्लीट होता है वो ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो भी मास्टर नोड से रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी है उनको एनालाइज किया जाएगा और उसके द्वारा इनको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको करंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।